इतने की वस्त्र कुछ जबरदस्त हुआ क्या? क्या मजा आया ब्यूटी पार्लर में, मूवी लगी थी मूवी, अरे मूवी से भी अच्छा था ब्यूटी पार्लर। ऐसा क्या हुआ ब्यूटी पार्लर में? हम तीनों गए थे ब्यूटी पार्लर, वो श्रेया की दादी अचानक से टपक गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो शर्मिला अपने आगे से बाल लेके नहीं घूमती, वो वाले वो काट दिए उन्होंने। करते हो ना आता है मुझे। बड़ा जबरदस्त सीन था वो। ओह नो, शर्मिला भाभी की बालों की डोरी। पर अब मुझे आज भी डर लग रहा है, शर्मिला चुप नहीं बैठेगी, जरूर कुछ ना कुछ करेगी देखना। नहीं, शर्मिला भाभी कुछ नहीं करेंगी, वो बहुत मासूम है। रहने दो, इतनी भोली नहीं है तुम्हारी शर्मिला भाभी, जैसी दिखती है ना वो बिल्कुल वैसी नहीं है, मासूम सी दिखती है। अरे मुझे पता है ना उसका असली चेहरा, टोटकेबाज है एक नंबर की, कुछ भी टोटके करती है, मैंने रंगे हाथ पकड़ा है उसको टोटके करते हुए। सुमो, टोटके का मतलब क्या? टोटका टोटका, जादू टोना। जादू टोना? हाँ, मैंने रंगे हाथ पकड़ा है उसको टोटके करते हुए। क्या बात कर रही हो सुमो, तुम भी जरा बच के रहना उससे, जैसी दिखती है ना वैसी नहीं है वो। शर्मिला भाभी तो डेंजरस निकली। श्रेया कौन हंस रहा है, बंद कर वो हॉरर पिक्चर। आपने मेरे बालों के साथ जो किया वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और आपको इसकी सजा मिलेगी। आज आप मेरा वो रूप देखेंगे जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा। गलती? आपने गुनाह किया है गुनाह, ये कोई मामूली गलती नहीं, ये गुनाह है गुनाह। बुढ़िया गंजी हो जाए। क्या हुआ माँ? तुम मेरा भाई? आपने शायद कोई बुरा सपना देखा है माँ। हाँ, थोड़ा ज्यादा ही डरावने सपने देख लिया। क्या हुआ माँ? ये तो शर्मिला है, इससे क्यों डर रहे हो आप? सासू माँ, आप तो मुझसे ऐसा डर रहे हो जैसे मैं कोई आपके ऊपर टोटका कर रही हूँ। सॉरी। ए ललिता, तुमको शर्म नहीं आई बहू के बाल काटते हुए? लगा दी तूने चुगली, नहीं रहा तेरे पेट में। शर्मिला ने मुझे कुछ नहीं बताया है, तुम्हारे लाल ने मुझे सब बताया। ससुर जी जाने दीजिए, वैसे भी मैंने सब को माफ कर दिए, आप प्लीज कुछ मत भूलिए। सुन भाई, मुझे बोलने दो। ससुर जी प्लीज, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से ससुर को डांट पड़े, और चला गया तो चला गया, बाल क्या बाल ही तो था। देखो देखो कितनी अच्छी है वो बहू। ये देख, मैं तो कहती हूँ तू अपना लुक ही चेंज कर ले, शादी के बाद से एक ही शक्ल देख देख के बोर हो गई हूँ मैं, क्या है ये लट ऐसा? हाँ माँ ने एकदम बराबर कहा, शर्मिला अब तुम लुक चेंज कर ही लो। अब एक काम कर,
मिस ब्यूटीफुल को बुला और कोई अच्छा सा न्यू लुक कर। उन्होंने श्रेया का लुक भी बहुत अच्छा किया था। कोई जरूरत नहीं सुषमा, मैं इसे ठीक हूँ। वो बहुत अच्छा लुक करके देगी तेरा, एक बार बुला तो उसको। शर्मिला तुम शर्वरी जी के ऊपर विश्वास रखो, मैं अभी उनको बुला के लेके आता हूँ। इनको तो बस मौका चाहिए। अरे श्रेया के पापा। क्यों हुआ श्रेया के पापा? वो माँ ने आपको जरा सा बुलाया है। अच्छा, इन दोनों को कुछ काम नहीं है? क्या जरूरत है लुक करने की, कितनी अच्छी दिख रही हूँ मैं। आओ आओ मिस ब्यूटीफुल। क्यों हुआ श्रेया की दादी? गलती से आज मेरी बहू के थोड़े बाल कट गए तो वो कुछ अजीब ही दिखने लगी है, उसका कोई अच्छा सा लुक करके दो ना। ओरी बाबा। एकदम अच्छा होना चाहिए। हाँ श्रेया की दादी, आप बस मेरे ऊपर विश्वास रखिए, शर्मिला जी को मैं ऐसा बना दूंगी कि वो पहचान में भी नहीं आएंगे। ओ आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे देखना है। नहीं नहीं चुप चुप निकलिए। ए घोड़े चल। आपकी बहू रानी एकदम तैयार है। ये बेटर है। थैंक यू मिस ब्यूटीफुल, काफी अच्छी दिख रही है अभी। पहले वाले की तरह खूबसूरत तो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बात ही कुछ अलग थी, पर ये भी अच्छा है, पसंद आया मुझे। मैं चलती हूँ। आप सब काम छोड़ के मेरा ये करने आई उसके लिए थैंक यू। हो गया लुक।